प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा एक बार पुनः आपका आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल धैर्य के साथ में बिना किसी टेंशन के आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पीछे जो अपने क्लासें डाली थी उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए थे और कुछ मैसेज भी आए हैं कि अवकल समीकरण के बारे में हमें बताओ, तो मेरे विचार से तो अवकल समीकरण अब तक आपको पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि अवकल समीकरण की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे आसान बुक है और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवकल समीकरण सबसे आसान बुक है और 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो अब तक पढ़ लेनी चाहिए थी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो कुछ अपन कोशिश करते हैं, कुछ इसको समझने की कोशिश करना, कुछ शॉर्ट रिविजन में आपका इसको करवाता हूं। अवकल समीकरण की अगर अपन बात करें तो अवकल समीकरण के अंदर 3-4 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो तो है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण, जहां से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पुराने पेपर अगर अपन देखें तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन देखें प्रथम कोटि व उच्च घात की अवकल समीकरण, जिसके अंदर अपन देखते हैं कलेरो का समीकरण होता है, कलेरो का समीकरण है, विचित्र हल है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 1 क्वेश्चन इन दोनों में से पूछा जाना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं लेकिन कम से कम 1 क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, कम से कम 1 क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें समघाती रेखिक अवकल समीकरण, समघाती रेखिक अवकल समीकरण, समघाती रेखिक अवकल समीकरण का मतलब होता है जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव जो उतनी साथ में एक्स की घात हो, तब उसको अपन कहते हैं समघाती रेखिक अवकल समीकरण। और समघाती रेखिक अवकल समीकरण से भी कम से कम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। उसके आगे अपने को दे रखा है युगपत अवकल समीकरण, सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत अवकल समीकरण, वहां से क्वेश्चन हालांकि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया इस बार, लेकिन कम संभावना है पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, फिर भी अगर अपन देखें तो 2, 1, 3, 2, 5 लगभग 4 या 5 क्वेश्चन तो 101% यहां से पूछे जाने हैं। सबसे आसान बुक है, थोड़ा इसका अपन रिविजन करने की कोशिश करते हैं। देखो अवकल समीकरण की अपन बात कर रहे हैं, देखो अवकल समीकरण अपन पढ़ रहे हैं तो परिभाषा तो ये होती है कि ऐसी समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलज विद्यमान हो उसको अपन अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे अपन मान लो ये समीकरण ले रहे हैं dy/dx + y = x² अपन ले रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं उसको तो अपन कहते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका अपन अवकलन कर रहे हैं उसको अपन कहते हैं आश्रित चर, और dy/dx है वो क्या हो गया, आश्रित चर का अवकलज हो गया, तीनों के बीच में जो संबंधित होती है उसको अपन कहते हैं अवकल समीकरण कहते हैं। देखो अब सबसे पहले अपन बात करें अवकल समीकरण का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं, कोटि या क्रम एक ही बात है। तो अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज विद्यमान होता है, अवकल समीकरण में जो हाइएस्ट डेरिवेटिव विद्यमान होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वही क्या होता है, अवकल समीकरण का ऑर्डर होता है। जैसे अगर अपन बात करें मान लो कोई अवकल समीकरण में ये लिख रहा हूं dqy/dx³ d2y/dx² + y = 0 लिख रहा हूं, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो वो कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो अवकल समीकरण का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान, जब भी अपन अवकल समीकरण का ऑर्डर ज्ञात करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर समाकलन जैसा कोई पद है तो पहले उसको हटा देना चाहिए। मान लो यही अवकल समीकरण इस तरीके से होती, देखो dqy/dx³ + d2y/dx² + y(dx) = अगर यहां पे 0 होता तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करके फिर इसको हटा देते। अगर समाकलन जैसा चिन्ह है तो पहले उसका अवकलन करना है, फिर उसको हटाना है, फिर उसका ऑर्डर अपन ज्ञात करेंगे। देखो अब यहां पे इस समाकलन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को अवकलन करना पड़ेगा, तो पूरे समीकरण का एक बार अवकलन कर देंगे। देखो यहां आ जाएगा dqy/dx³ + y = कॉन्स्टेंट आ जाएगा। देखो तो इस टाइप की जो समीकरण है, अब इसका अपन ऑर्डर निकालेंगे। देखो तो यहां पे अगर अपन देखें तो आईएस डेरिवेटिव जो उसका ऑर्डर कितना है, 4, तो अवकल समीकरण का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो तो अवकल समीकरण के ऑर्डर का मतलब है उच्चतम अवकलज का जो ऑर्डर होता है वही क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का ऑर्डर कहलाता है। इसी तरीके से अपन देखते हैं घात, देखते हैं देखो घात या डिग्री, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की जो घात होती है वही क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की घात कहलाती है।
कोई भी अपना अवकल समीकरण ले रहे हैं, जैसे मान लो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का क्यूब प्लस अपन ले रहे हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ले रहे हैं प्लस वाई इज इक्वल टू अपन ले रहे हैं जीरो ले रहे हैं, तो उच्चतम अवकलज की घात यहाँ पे कितनी है तीन, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी। अधिकतम अवकलज की जो घात होती है वही क्या होती है अवकल समीकरण की घात होती है, तो यहाँ पे आई एस डेरिवेटिव की घात तीन है तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी। लेकिन अवकल समीकरण की घात है वो तभी परिभाषित होती है जब अवकल समीकरण है वो अवकलज गुणांकों में बहुपद हो। अवकलज गुणांकों में क्या होनी चाहिए, बहुपद की फॉर्म में होनी चाहिए। देखो अवकल अवकलज गुणांकों में क्या होनी चाहिए, बहुपद होनी चाहिए। अवकलज गुणांकों में बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बहुपद की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये एक बहुपद है। देखो अगर अपन एक्स की पावर ले लेते हैं वन वाई थ्री एक्स प्लस वन, इसको अपन बहुपद नहीं कहते। देखो या अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसको भी अपन बहुपद नहीं कहेंगे, ये केवल एक्स में बहुपद है। बहुपद होने के लिए इसकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो वैसे ही अगर अपन देखें तो अवकल समीकरण की घात है वो तभी परिभाषित होती है जब वो अवकलज गुणांकों में बहुपद हो। जैसे मान लो यही समीकरण अगर अपने को ऐसे दे देते डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर लिख देते थ्री वाई टू प्लस लिख देते डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, अब अपन इसकी घात परिभाषित नहीं कर सकते, पहले अपने को इसमें से 1 बाई 2 को हटाना पड़ेगा तभी अपन इसकी घात याद कर सकते हैं। देखो तो जब भी घात याद करनी है तो इस टाइप की बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको अपन ऐसे लिखेंगे d2y टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर आ जाएगा 3 बाई 2, इस स्टेप को इधर ले आएंगे, इस स्टेप को इधर लाएंगे, ये बन जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। आप दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका अगर अपन घात देखें तो अब इस अवकल समीकरण की घात है वो कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। देखो यानी अवकल समीकरण की घात है वो तभी परिभाषित होती है जब अवकल समीकरण है वो अवकलज गुणांकों में बहुपद हो, तो एक बटा दो हो एक बटा तीन हो इस टाइप की घात है उनको पहले हटा देंगे। देखो अगर मान लो जैसे ये कोई अवकल समीकरण दे रखी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है अपने को एक्स दे रखा है, अब यहां अपन देख रहे हैं देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में साइन आ रहा है तो ये अवकलज गुणांकों में बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो इस अवकल समीकरण की घात है वो परिभाषित नहीं होगी। देखो ये जो अवकल समीकरण है इसकी घात है वो परिभाषित नहीं है, अगर ये साइन नहीं होता तब अवकल समीकरण की घात है वो परिभाषित होती। देखो वाई के साथ में साइन हो सकता है लेकिन इसके साथ में नहीं होना चाहिए, देखो अवकलज है उनके साथ में साइन नहीं होना चाहिए, तभी अवकल समीकरण की घात को क्या माना जाता है, परिभाषित माना जाता है। तो ये तो एक अपन सिंपल सी बात देख रहे थे। उसके बाद में देखो प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। देखो प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण, प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण का मतलब है यदि किसी अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx है तब उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली मेन बात तो ये है कि अवकल समीकरण को पहचानना, तो यदि किसी अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx है इसका मतलब वो प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण है। उसको हल करने के तरीके अगर अपन देखें तो सबसे पहला तरीका होता है चरों के पृथक्करण की विधि, चरों के पृथक्करण की विधि। पहला जो मेथड है वो है चरों के पृथक्करण की विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये मेथड अपन तभी लगा पाएंगे यदि अवकल समीकरण को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि x का फंक्शन अलग हो जाए और y का फंक्शन अलग हो जाए, यहां जो भी फंक्शन है उसके अगर फैक्टर हो जाते हैं, x का फंक्शन अलग हो जाए y का फंक्शन अगर अलग हो जाए तब उसमें अपने को वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। चरों के पृथक्करण की विधि का मतलब क्या है, जो y का फंक्शन है उसको अपन dy के साथ में लिख लेंगे, x का फंक्शन है उसको अपन dx के साथ में लिख देंगे, फिर अपन आसानी से इसका समाकलन करके हल कर लेंगे। अवकल समीकरण के हल का मतलब क्या है, अपने को d अपॉन dx हटाना है यानी इसका समाकलन करना है, और समाकलन तभी हो पाएगा जब dy के साथ में y का फंक्शन होगा dx के साथ में x का फंक्शन होगा। तो अपने को इस अवकल समीकरण को इस प्रकार से अरेंज करना है कि x का फंक्शन अलग हो जाए y का फंक्शन अलग हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तभी ये मेथड अपन लगा पाएंगे। देखो तभी अपन चरों के पृथक्करण की विधि इसके अंदर लगा सकते हैं, इसके फैक्टर करके देख लेंगे। अब जैसे मान लो यहां पे ये होता है dy अपॉन dx बराबर ये होता है x प्लस वाई प्लस वन होता है, अब यहां चरों के पृथक्करण की विधि नहीं लग सकती क्योंकि यहां पे x का फंक्शन और y का फंक्शन अलग नहीं हो सकता। अगर यही ऐसे होता dy अपॉन dx बराबर होता मान लो यहां पे x प्लस वन होता साथ में y प्लस वन होता तब अपन इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड लगा सकते थे। तब अपन क्या करते dx को इधर ले आते y प्लस वन को dy के साथ में लिख देते, वेरिएबल को सेपरेट करके अपन समाकलन कर लेते। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले तो ये देखना कि कौन सी अवकल समीकरण है, अगर प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण है तो अपने को ये देखना है कि चरों के पृथक्करण की विधि लग सकती है क्या। चरों के पृथक्करण की विधि तभी लगेगी जब x का फंक्शन अलग हो जाएगा और y का फंक्शन अलग हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तब अपन ये मेथड लगा सकते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया, डीवाई अपॉन डी एक्स बराबर दे रखा है वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन दे रखा है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, साथ में कंडीशन ये दे रखी है, देखो तब अपने को इसका हल पूछा गया। देख तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो वाई का फंक्शन अलग है एक्स का फंक्शन अलग है, तो यहां अपन इस अवकल समीकरण को चरों के पृथक्करण की विधि से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, dy के साथ में y के फंक्शन को लिख देंगे और dx के साथ में x के फंक्शन को लिख देंगे। अब दोनों तरफ समाकलन करके अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, कितना आ जाएगा sec इनवर्स y आ जाएगा, इधर इसका समाकलन करेंगे sec इनवर्स x प्लस c आ जाएगा। जितना अवकल समीकरण का ऑर्डर होता है उतने ही अगर सवे छचर है तब उसको अपन कहते हैं व्यापक हल। अवकल समीकरण का जितना ऑर्डर है उतने अगर सभी छचर है तो उसको अपन कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। कई बार साथ में अपने को ऐसी कंडीशन दी हुई होती है, इस कंडीशन से अपन ये सी का मान निकाल सकते हैं, तब जो हल प्राप्त होता है उसको अपन कहते हैं विशेष हल या विशिष्ट हल कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो कंडीशन क्या दे रखी है, कोई भी फंक्शन होता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, तो ये तो एक्स का मान है ये वाई का मान है, यानी एक्स बराबर दो पर अपने को वाई का मान कितना दे रखा है, एक्स बराबर दो पर अपने को y का मान दे रखा है दो बटे अंडर रूट तीन दे रखा है, तो इसमें x की जगह दो कर दो, y की जगह दो बटे अंडर रूट तीन कर दो, तो यहां आ जाएगा sec इनवर्स, x की जगह कर देंगे दो कर देंगे, प्लस आ जाएगा c आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका मान अगर अपन देखें तो sec इनवर्स दो बटे अंडर रूट तीन है, इसका मान कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री प्लस c आ जाएगा, देखो पाई बाई थ्री प्लस c आ जाएगा। यहां से अगर अपन c का मान देखें तो कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री, ये c का मान अपन यहां पे रख देंगे तो इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा भाई, sec इनवर्स y sec इनवर्स x माइनस पाई बाई थ्री। अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा समाकलन के सूत्र अपने को ध्यान में होने चाहिए, फिर ये थोड़ा ये देखना कि अवकल समीकरण को किस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यदि y का फंक्शन अलग हो सकता है x का फंक्शन अलग हो सकता है तो चरों के पृथक्करण की विधि हमेशा लग जाएगी, देखो उसके बाद में चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, यदि अवकल समीकरण इस टाइप की है dy अपॉन dx बराबर अपने को दे रखा है या ax प्लस by प्लस c का फंक्शन दे रखा है, इस बात का मतलब ये है जैसे अवकल समीकरण इस टाइप की दे रखी है, मान लो आपको x प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर दे रखा है, मान लो अवकल समीकरण ऐसी दे रखी है यहां पे आपको दे रखा है साइन x प्लस वाई प्लस वन दे रखा है, या मान लो अवकल समीकरण आपको ऐसी दे रखी है साइन x प्लस वाई प्लस दे रखा है कोस x प्लस वाई, तो यहां देखो अपन चरों के पृथक्करण की विधि नहीं लगा पाएंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यहां पर नहीं लगेगा। यहां अपन देख रहे हैं एक्स के फंक्शन को और वाई के फंक्शन को अपन अलग नहीं कर सकते, तो वो मेथड अपन यहां नहीं लगा पाएंगे, तो हमेशा इसको चरों के पृथक्करण में बदला जा सकता है। यहां अपन देख रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है वो अगर ए एक्स प्लस इधर अगर अपने को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का अगर फंक्शन दे रखा है तो चरों के पृथक्करण में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको वी मान लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर वी मान लेंगे। अब इसके बराबर अगर वी मानेंगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स भी चेंज हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो ये आएगा, देखो इधर आ जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहां से अपन डीवाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा वन अपॉन बी डीवी अपॉन डी एक्स माइनस आ जाएगा a आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब dy अपॉन dx की जगह अपन ये मान रख देंगे, फिर इस अवकल समीकरण को आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं, देखो वेरिएबल को सेपरेट करके इस अवकल समीकरण को सोल्व किया जा सकता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो चरों के पृथक्करण की विधि में बदल के अपन उसको सोल्व करेंगे, देखो अगर इस टाइप की कोई अवकल समीकरण है तो इस मेथड से उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन dx बराबर अपने को दे रखा है 4x प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर दे रखा है। अब और किसी भी मेथड से ये अवकल समीकरण सोल्व नहीं हो पाएगी, आगे अगर अपन कोई मेथड देखें तो किसी भी मेथड से ये अवकल समीकरण सोल्व नहीं हो सकती। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, देखो 4x प्लस वाई प्लस वन को अपन मान लेंगे v मान लेंगे, देखो अब इसमें अगर अपन इसको v मानेंगे तो dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना आएगा 4 प्लस dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा dv अपॉन dx आ जाएगा। ये मान यहां पे रखेंगे तो dy अपॉन dx की जगह आ जाएगा dv अपॉन dx माइनस फोर,
इधर आ जाएगा वी स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो डीवी अपॉन डीएक्स बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा। अब आसानी से अपन वेरिएबल्स को सेपरेट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। डीवी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां लग जाएगा। देखो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है तो वी अपॉन 2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। वी का मान यहां पे रख देंगे आंसर आ जाएगा, देखो वी का मान यहां पे वापस रख देंगे, टेन इनवर्स वी का मान यहां पे अपन वापस रख देंगे, देखो बराबर आ जाएगा एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो अब ये तरीका आपको याद करना है, क्वेश्चन कोई भी हो आसानी से आप कर सकते हो, ये तरीका आपको देखना है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का अगर फंक्शन हो तो उसको वी मान के उसको सोल्व करना है। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये दिया गया है साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई बराबर वी मानना है, फिर इस अवकल समीकरण को सोल्व करना है। एक्स प्लस वाई बराबर वी मान के इस अवकल समीकरण को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। x प्लस वाई बराबर अगर v मानेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, dv अपॉन dx आ जाएगा। तो यहां बन जाएगा कितना, dv अपॉन dx माइनस 1, x प्लस वाई की जगह अपन v कर देंगे तो साइन v प्लस कोस v, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से अगर अपन देखें तो dv अपॉन dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस साइन v प्लस कोस v आ जाएगा। अब वेरिएबल को सेपरेट करके अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, dv नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस v प्लस साइन v, इधर आ जाएगा x आ जाएगा dx आ जाएगा। देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन या तो ये तरीका होता है भाई, अगर नीचे साइन x और कोस x की घात अगर एक है तो साइन x की जगह अपन लिखते हैं 2 tan x y 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x y 2, वो सूत्र आप काम में ले सकते हो, या cos 2 थीटा से इसको अपन 1 प्लस cos v को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर v वाई 2, और sin v को अपन लिख सकते हैं 2 sin v वाई 2 cos v वाई 2, ये अपन लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा dx आ जाएगा, ये आ जाएगा। पूरे में से अपन 2 cos स्क्वायर v वाई 2 कॉमन ले रहे हैं, और 2 cos स्क्वायर v वाई 2 अगर अपन कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर v वाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर v वाई 2, नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan v y 2, ये आ जाएगा, साथ में आ जाएगा dv, इधर आ जाएगा dx आ जाएगा। अब 1 प्लस tan v y 2 बराबर अपन t मान के इस अवकल समीकरण को आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं जिससे अवकल समीकरण सोल्व हो जाएगा। देखो उसके बाद में देखो समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण अगर मान लो चरों के पृथक्करण की विधि नहीं लगती है और चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाला अवकल समीकरण भी नहीं है तो अपन इसके लिए ट्राई करेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, dy अपॉन dx को अपन एक तरफ ले लेंगे, बाकी जितने भी x और y के फंक्शन है उनको अपन एक तरफ ले लेंगे। देखो समघात अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों समान घात के समघात फलन होने चाहिए। समघात फलन कैसे चेक करते हैं, पहले भी अपन बात कर चुके हैं, देखो x की जगह लेमडा x कर दो, y की जगह लेमडा y कर दो, ऐसा करने पर लेमडा पूरा बाहर आना चाहिए तब उसको अपन कहेंगे समघात फलन, और जितनी लेमडा की घात बाहर आएगी उतनी घात का वो समघात फलन कहलाता है, जितनी लेमडा की घात बाहर आती है उतनी घात का वो समघात फलन कहलाता है। तो ऊपर और नीचे समान घात के समघात फलन होने चाहिए, ऊपर अगर दो घात का समघात फलन है तो नीचे भी दो घात का समघात फलन होना चाहिए, ऐसी अवकल समीकरण को अपन कहेंगे समघात अवकल समीकरण। और समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, वाई बराबर मानना है वी एक्स मानना है, वाई बराबर अगर अपन वी एक्स मानेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा। देखो ये सारे मान अपन इसके अंदर रख देंगे तो चरों के पृथक्करण की विधि से ही अवकल समीकरण सोल्व हो जाएगा। देखो चरों के पृथक्करण की विधि से ही अवकल समीकरण सोल्व हो जाती है, बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन करके अपन देखें, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अपने को दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दे रखा है। देखो अब यहां पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन ये देख रहे हैं कि चरों के पृथक्करण की विधि लग सकती है क्या, चरों के पृथक्करण की विधि या नहीं लग सकती, क्योंकि चर यहाँ पे पृथक नहीं हो सकते, वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकते, अपन एक्स को अलग और वाई को अलग नहीं कर सकते, तो चरों के पृथक्करण की विधि यहाँ नहीं लगेगी। अगर चरों के पृथक्करण की विधि नहीं लगती है तो फिर ट्राई करो कि समघात अवकल समीकरण है क्या, यहां अपन देख भी रहे हैं, देखो
एक्स की जगह अगर अपन लेमडा एक्स करेंगे, वाई की जगह लेमडा वाई करेंगे, तो लेमडा की घात एक बाहर आएगी। तो इसका मतलब ये एक घात का समघात फलन है, ये भी एक घात है, ये भी एक घात है, तो हो सकता है ये समघात अवकल समीकरण हो। तो अपन इसको इस तरीके से लिख के देखते हैं, देखो एक्स डी वाई को मैंने इधर रख लिया, इसको इधर ले आते हैं, देखो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ रहा है वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आ रहा है एक्स आ रहा है। देखो अगर मैं एक्स की जगह लेमडा एक्स करूं, वाई की जगह लेमडा वाई करूं, तो यहां से लेमडा की घात एक बार आएगी, यहां से भी लेमडा की घात एक बार आएगी। तो इसका मतलब ये लेमडा पूरे से लेमडा की घात एक बार आ रही है, देखो। तो इसका मतलब ये एक घात का समघात फलन है, और नीचे भी एक घात का फलन है, देखो। तो इसका मतलब ये प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण है, और प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे vx, y बराबर vx मानेंगे तो dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब ये मान यहां पे रख दो, dy अपॉन dx की जगह रख देंगे अपन v प्लस x dv अपॉन dx, यहां भी y की जगह vx कर देंगे, यहां भी y की जगह कर देंगे vx, नीचे x आ जाएगा। देखो अब इसको पूरे को अगर अपन सोल्व करें, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स का भाग अगर अपन इसके अंदर देते हैं तो v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर बनेगा, देखो v से v कैंसिल हो जाएगा। देखो अब अगर अपन वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो dv अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे आंसर हो जाएगा। देखो दोनों तरफ समाकलन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, इसका समाकलन अगर देखें तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका समाकलन होता है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इधर आ जाएगा लॉग x प्लस लॉग c आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, लॉग से लॉग कैंसिल कर देंगे, इधर लॉग सी एक्स लिख देंगे, फिर लास्ट में वी का मान वापिस रख देंगे। देखो ये जरूर ध्यान रखना है, वहां से वी का मान आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, वो यहाँ पे रख देंगे। देखो तो अगर समघात अवकल समीकरण है तो उसको y बराबर vx मान के सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद में देखो समघात में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, समघात में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, जैसे इस टाइप का समीकरण है, देखो dy अपॉन dx बराबर है ax प्लस by प्लस c, अपॉन में है ax प्लस by प्लस c, ये है। अब यहां अगर अपन देखें तो ये समघात अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां देखो x की घात एक है, यहां y की घात एक है, लेकिन यहां किसी की भी घात नहीं है। या x की जगह अगर अपन लैम्डा x रखें, y की जगह लैम्डा रखें, तो लैम्डा y करें तो लैम्डा पूरा बाहर नहीं आएगा। देखो तो इसका मतलब ये समघात फलन नहीं है। अब इसको समघात अवकल समीकरण में बदलने के लिए दो केस होते हैं। देखो केस फर्स्ट ये होता है, अगर a अपॉन a नॉट इक्वल टू है b अपॉन b के, a अपॉन a नॉट इक्वल टू है b अपॉन b के, यानी ऊपर नीचे x का गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात अगर बराबर नहीं है, तब तो इस अवकल समीकरण में अपन करते हैं x बराबर तो x प्लस h मानते हैं, y बराबर अपन मानते हैं y प्लस k मानते हैं, ये मानते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें अगर अपन ये मानेंगे तो इधर आ जाएगा dy अपॉन dx, यहां आ जाएगा x प्लस h आ जाएगा प्लस by प्लस k आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसमें a x की जगह आ जाएगा x प्लस एच, वाई की जगह आ जाएगा वाई प्लस की प्लस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आ रहा है ए एच प्लस बी के प्लस सी आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे, देखो ए एक्स प्लस बी वाई, यानी मैं अचर पद को एक जगह लिख रहा हूं बाकी अलग एक जगह लिख रहा हूं, देखो अचर पद को अपन एक जगह लिख रहे हैं बाकी को एक जगह लिख रहे हैं। देखो यहां से आ जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी, ये आ जाएगा। देखो अब एच और के का चयन अपन इस तरीके से करते हैं कि ये जीरो बन जाए ये जीरो बन जाए, यानी इन दोनों को जीरो के बराबर करके अपन एच और के का मान निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को अगर अपन जीरो कर देंगे तो ये अवकल समीकरण इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देखो ए एक्स प्लस बी वाई नीचे आ जाएगा कितना ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि समघात अवकल समीकरण है, तो समघात वाले तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो समघात वाले तरीके से अब इसको सोल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं और संभावना भी कम है पूछने की, देखो। लेकिन सेकंड केस अगर अपन देखें, सेकंड केस देखें तो वो थोड़े छोटे क्वेश्चन होते हैं,
और वैसे क्वेश्चन अगर पीछे अपन आरएएस वगैरह की एग्जाम देखें तो वहां पूछी भी गए कई बार। केस सेकंड अगर अपन देखें, देखो अगर ए अपॉन ए बराबर है बी अपॉन बी के, देखो यानी ऊपर नीचे एक्स के गुणांक का अनुपात और वाई के गुणांक का अनुपात अगर बराबर है, अगर बराबर है तो यहां हमेशा ऐसी स्थिति बन जाएगी। देखो यहां से जैसे ए कॉमन आ जाएगा पूरे से ही, और यहां अगर अपन देखें तो यहां से भी कैपिटल ए कॉमन आ जाएगा, ये रेशियो बराबर है तो यहां हमेशा एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा। देखो कॉमन फैक्टर बन जाएगा। देखो अब ये जो कॉमन फैक्टर बनता है इसको अपन v या w मान लेंगे, तो v और w मानने से ये क्या होगा, या तो v मान लो या w मान लो, ये चरों के पृथक्करण की विधि से ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि x प्लस वाई को w मान के और फिर उसको चरों के पृथक्करण की विधि में बदल के फिर अपन सोल्व कर लें। इसके अलावा एक शॉर्ट तरीका और है जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है, देखो अगर समझ में आ जाए तो आपकी। जैसे एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूं, ये क्वेश्चन दे रखा है देखो 4x प्लस 6y प्लस 5 माइनस दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 dx बराबर दे रखा है 0 दे रखा है। देखो ये दे रखा है, यहां से अगर अपन देखें तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4, नीचे आ जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 5 ये आ जाएगा। देखो पहली बात तो ये समघात अवकल समीकरण नहीं है, देखो समघात अवकल समीकरण नहीं है। अब यहां अगर अपन देखें तो देखो a अपॉन a का मान कितना है 2 अपॉन 4 यानी 1 बाई 2 है, b अपॉन b का मान अगर अपन देखें तो 3 अपॉन 6 यानी 1 बाई 2 है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं a अपॉन a और b अपॉन b बराबर है, देखो और बराबर है तो हमेशा यहाँ एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा, उसको W मान के अपन सोल्व कर सकते हैं। या एक शॉर्ट तरीका मैं और बता रहा हूं, देखो इस समीकरण को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इस समीकरण को अगर अपन देखें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो dy अपॉन dx ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4, यहां से अपन देखो दो इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं देखो एक कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो इसको W मान के आप सोल्व करोगे तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एक आसान तरीका मैं बताता हूं अगर आपकी समझ में आ जाए तो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो यहां तो x लिखना है यहां y लिखना है, सभी क्वेश्चनों में पहले तो यहां तो x लिखना है यहां y लिखना है, यहां ये जो कॉमन फैक्टर होता है वो लिखना है। देखो यहां लिख देंगे अपन 2x प्लस 3y ये लिख देंगे। देखो x के मान कौन से लेने, देखो dy अपॉन dx है तो नीचे x है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, नीचे x है तो इनको अपन कहेंगे x के मान हो गए 2 और 5, इनको x के मान कहेंगे। देखो ऊपर y है तो इनको y के मान कहेंगे, y के मान हो गए 1 और 4 ये हो गया। देखो इसको मैंने x का मान कहा है, ये दोनों तो x के मान है, ये दोनों y के मान है, देखो ये x के मान हो गए ये y के मान हो गए। अब x और y का मान अगर इतना हो तो ये मान कितना आएगा, x की जगह अगर 2 करें y की जगह 1 करें तो ये आ जाएगा 7, ये मान रखें x की जगह अगर 5 करें तो ये 10 बन गया और यानी कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर मैंने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको मैंने 3 कह दिया, देखो एक स्टेप में उत्तर आ जाएगा। देखो इसको आपको इससे गुणा करना है, माइनस करके इसको इससे गुणा करना है तो ये आएगा एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, इसको इससे गुणा करना है माइनस करके इसको इससे गुणा करना है तो 8 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 3, 3 आ गया। देखो गुणा समीकरण नंबर 1, गुणा समीकरण नंबर कितना आएगा 2, गुणा समीकरण नंबर 2 सूत्र में बता रहा हूं, गुणा समीकरण नंबर 2 प्लस गुणा समीकरण नंबर 2 प्लस लॉग समीकरण नंबर 1 गुणा 2 प्लस 3 बराबर आ जाएगा सी, ये इसका उत्तर आ जाएगा। देखो जैसे यहां पे अगर अपन देखें x माइनस टू वाई अपॉन 3, समीकरण नंबर 2 का मतलब क्या है, समीकरण नंबर 2 का मतलब हो गया यहां से 7, 7 हो गया। देखो ये तो मैंने वैसे नोटेशन किया है थोड़ा समझाने के लिए, याद करने के लिए, इसको मैं 2 कह रहा हूं। देखो प्लस लॉग 1 गुणा 2 यानी इन दोनों को गुणा कर रहे हैं अपन, 1 गुणा 2 का मतलब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहां आ जाएगा 14x प्लस 21y ये आ जाएगा, प्लस समीकरण नंबर 3 को जोड़ना है यानी 22 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा सी, यही अवकल समीकरण का उत्तर है। देखो यानी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो एक तो अपन इस तरीके से कर सकते थे 2x प्लस 3y को w मान के फिर इसको सोल्व कर सकते थे, एक आसान तरीका अपन ये देख रहे हैं। देखो
यहाँ x लिख लेना, यहाँ y लिख लेना, यहाँ 2x प्लस 3y लिख लेना। देखो x के जो मान है वो नीचे लिख लेना, दो x के जो मान है वो मैंने यहाँ लिख दिया। देखो जो नीचे है उनको मैं x कह रहा हूँ, ऊपर है उनको मैं y कह रहा हूँ। देखो y कह दिया। अब इनकी वजह से ये कितना आएगा वो अपने निकाल लिया। देखो वो निकाला। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो x माइनस 2y, तिरछा गुणा कर दिया मैंने इनको, अपोन में आ जाएगा ये आ जाएगा, गुणा समीकरण नंबर 2 प्लस log 1 गुणा 2 प्लस 3 ये आएगा। देखो इसे इसका उत्तर आ जाएगा। देखो उसके बाद में देखो रेखीय अवकल समीकरण, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीछे की एग्जाम अगर अपन देखें तो बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझना। देखो रेखीय अवकल समीकरण का मतलब ये होता है वह समीकरण जिसमें आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर व उसके अवकलज, की घात एक हो तथा अवकलज आपस में गुणित नहीं हो, अवकलज आपस में मल्टीपल नहीं हो, आपस में गुणित नहीं हो, उसको अपन कहते हैं रेखीय अवकल समीकरण। देखो गुणित नहीं हो उसको अपन कहते हैं रेखीय अवकल समीकरण। जैसे अपन कोई भी समीकरण की अगर अपन बात करें, dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर ले लिया मैंने x की घात 5। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं उसको तो अपन कहते हैं स्वतंत्र चर, ये तो स्वतंत्र चर है। देखो और जिसका अपन अवकलन करते हैं उसको अपन कहते हैं आश्रित चर, ये आश्रित चर है। देखो तो ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर और उसके अवकलज दोनों की घात एक होनी चाहिए। आश्रित चर यहां पे y है तो अपन देख रहे हैं y की घात भी एक है और dy अपॉन dx है उसकी भी घात एक है। आश्रित चर और उसके अवकलज दोनों की घात एक होनी चाहिए तब उसको अपन कहेंगे रेखीय अवकल समीकरण। देखो तब उसको अपन y में रेखीय अवकल समीकरण कह सकते हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं y की घात एक है, dy अपॉन dx की भी घात एक है, इसका मतलब ये y में रेखीय अवकल समीकरण है। देखो जो y में रेखीय अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, dy अपॉन dx प्लस px * y बराबर होता है qx, ये होता है। सबसे पहले अपन जो भी y में अवकल समीकरण होगी उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। देखो इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में इसका समाकलन कर देंगे। देखो e की पावर में इसका समाकलन कर देंगे फिर सूत्र ये हो जाएगा। व्यापक हल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। देखो व्यापक हल कितना हो जाएगा, वाई इंटू आई एफ, सूत्र होता है वाई इंटू आई एफ बराबर होता है आई एफ इंटू क्यू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये इसका आंसर होता है। तो सबसे पहले अपने को पहचानना है, अगर पहचान आ जाएगी तो फिर आसानी से अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो कई बार तो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही पूछा जाता है, कई बार तो क्वेश्चन ही आता कि पूछा जाता। देखो जैसे एक दो क्वेश्चन अपन इसके करके देखते हैं। देखो जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई बराबर है 4x स्क्वायर। देखो अब यहां अपन पीछे वाले तरीके अगर लगा के देखें तो पीछे वाला कोई भी तरीका यहां नहीं लगेगा। देखो पहली बात तो अपन वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। देखो यहां पर अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो देखो ये आएगी dy अपॉन dx बराबर बन रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ रहा है। देखो तो अब यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन x के फंक्शन को अलग कर दें y के फंक्शन को अलग कर दें, तो चरों के पृथक्करण की विधि यहां नहीं लगेगी। देखो फिर अपन ट्राई करेंगे समघात के लिए, तो ऊपर तो देखो समघात फलन है लेकिन नीचे समघात फलन नहीं है। देखो x स्क्वायर है लेकिन यहां पे अचर आ रहा है, देखो तो नीचे समघात फलन नहीं है, तो इसका मतलब ये समघात अवकल समीकरण भी नहीं है। फिर अपन चेक करेंगे, देखो y की घात एक है, रेखीय अवकल समीकरण को कैसे पहचानोगे, ये देखना कि आश्रित चर की घात एक है क्या। यहां अपन देख रहे हैं y की घात एक है और dy अपॉन dx की भी घात एक है। देखो अगर y की घात एक हो, dy अपॉन dx की घात एक हो, तो उसको y में रेखीय अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको यही ट्राई करना है, यही देखना है। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं ये y में रेखीय अवकल समीकरण है, और जो y में रेखीय अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy अपॉन dx का गुणांक एक होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस x स्क्वायर का भाग दे देंगे। सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। y में जो रेखीय अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, dy अपॉन dx होता है, px * y होता है।
बराबर होता है क्यू अक्ष होता है। देखो तो सबसे पहले हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे इसको अपन। देखो अब इसको अपन कह रहे हैं देखो ये तो हो गया पी अक्ष हो गया और ये क्या हो गया क्यू अक्ष हो गया। देखो इसको अपन क्यू अक्ष कह रहे हैं। देखो अब जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फॉर्मूला था भाई। अब इसका समाकलन अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अपन यहां देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव यहां पे विद्यमान है तो इसका अवकलज यहां पे विद्यमान है तो इसको टी मान लेंगे, इसको टी मानने से समाकलन हो जाएगा। देखो तो इसका समाकलन आ जाएगा इतना। देखो थोड़ा सा मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूं देखो क्योंकि रिवीजन क्लास है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि बहुत टाइम तक अपन इसको देख सके क्लास को। तो यहां अगर अपन देखें तो देखो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे देखो तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो अतः जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, व्यापक हल। व्यापक हल कितना आ जाएगा, सूत्र होता है y इंटू आई एफ, आई एफ की जगह आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर होता है आई एफ की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स की जगह ये आ गया भाई फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब अपन इसका समाकलन कर देंगे उत्तर आ जाएगा भाई। अब अपन इसका समाकलन करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, ये उत्तर हो जाएगा भाई। तो ये ध्यान रखना अगर y में रेखिक अवकल समीकरण है तो उसको अपन इस तरीके से पहचानेंगे। देखो y में रेखिक अवकल समीकरण को अपन इस तरीके से पहचानेंगे। देखो अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण कब मानेंगे, देखो अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण, अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण, अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण यदि y की घात दो या दो से ज्यादा है और x की घात एक है, यदि y की घात दो या दो से अधिक है, y की जो घात है वो तो दो या दो से अधिक है और x की घात एक है, x की घात एक है, तब उसको अपन क्या करेंगे x में रेखिक अवकल समीकरण मानेंगे भाई। तब उसको अपन x में रेखिक अवकल समीकरण मानेंगे और जो x में रेखिक अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है देख, बराबर होता है क्यू वाई, ये होता है देख। अक्ष में जो रेखिक अवकल समीकरण होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है देख। सबसे पहले अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अक्ष का जो गुणांक है उसका अपन वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे। एक तो आप ये ध्यान रख सकते हो देखो जिसके सापेक्ष यहां अवकलन हो रहा है उसी के सापेक्ष यहां समाकलन होता है हमेशा देखो, तो कोई इसमें अलग से रटने की जरूरत नहीं, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है उसी के सापेक्ष हमेशा समाकलन करना आपको। देखो जितने भी समाकलन होंगे वो सारे y के सापेक्ष होंगे, देखो पीछे वाले में अपन देख रहे थे सारे समाकलन x के सापेक्ष हो रहे थे। देखो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले, तब व्यापक हल ये हो जाएगा देखो इसका, तब व्यापक हल हो जाएगा x इंटू आई एफ बराबर हो जाएगा आई एफ इंटू क्यू वाई, ये हो जाएगा देखो आई एफ इंटू क्यू वाई हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस टू वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है y, y है देखो। अब यहां अपने को देखना है कि कौन सा तरीका लग सकता है, नहीं तो देखो यहां चर पृथक हो सकते हैं, नहीं ये समघात अवकल समीकरण है, y की घात भी अगर अपन देखें तो ज्यादा दे रखी है तीन दे रखी है, लेकिन यहां पे x की घात एक है देखो, y की घात ज्यादा है इसका मतलब इसको y में रेखिक अवकल समीकरण नहीं बना सकते, अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण इसको अपन बना सकते हैं, और जो अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है देखो dx अपॉन dy प्लस py इनटू x बराबर होता है qy, ये होता है देखो। तो ऐसी फॉर्म अपन यहां बनाने की कोशिश करेंगे, देखो इसको मैं लिख रहा हूं x प्लस टू वाई क्यू, इस स्टेप को अपन इधर ले आएंगे देखो, इस स्टेप को इधर ले आएंगे देखो। अब अपने को ऐसी फॉर्म बनानी है तो y का मैं इधर भाग दे देता हूं, तो x अपॉन y प्लस आ जाएगा टू वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये आ जाएगा देखो। अब इसको अपन लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स बराबर लिख सकते हैं अपन टू वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं देखो। अब ये देखो एक्स में रेखिक अवकल समीकरण है, यहां अगर अपन बात करें तो आश्रित चर कौन है एक्स है, तो आश्रित चर की भी घात एक है और डी एक्स अपॉन डी वाई की भी घात एक है, तो इसको अपन एक्स में रेखिक अवकल समीकरण कह सकते हैं,
और एक्स में रेखिक अवकल समीकरण है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e की पावर में इसका समाकलन कर देंगे। ये माइनस हमेशा साथ में लेना है, ये ध्यान रखना है, माइनस हमेशा साथ में लेंगे। देखो अब इसका समाकलन करें तो e की पावर माइनस लोग वाई आएगा, माइनस को अपन घात में लिख देंगे तो ये बन जाएगा वाई की पावर माइनस वन, यानी वन अपॉन वाई बन जाएगा, वन अपॉन वाई आएगा। अब इसका जनरल सोल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण है वो वाई में रेखिक अवकल समीकरण की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है एग्जाम में। अब इसका व्यापक हल निकालें तो आ जाएगा एक्स इंटू आई एफ बराबर आ जाएगा आई एफ इंटू क्यू वाई, क्यू वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, इस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा एक्स इंटू वाई। यहां पर अगर अपन देखें तो वाई का समाकलन करेंगे तो यह आएगा वाई स्क्वायर वाई टू प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा x बराबर वाई क्यूब प्लस सी वाई, ये इसका उत्तर आ गया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि x में रेखिक अवकल समीकरण है या y में रेखिक अवकल समीकरण है। अगर y की घात एक है तो y में रेखिक अवकल समीकरण बना लो, x की घात एक है तो x में रेखिक अवकल समीकरण बनाओ। उसके बाद में है रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण देखो, अगर इस टाइप का समीकरण है एफ डेस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ वाई यानी यहां पे कोई y का फंक्शन है और उसका अवकलज यहां पे विद्यमान है, देखो यहां जो y का फंक्शन है उसका अवकलज यहां पे विद्यमान है, तो ऐसी अवकल समीकरण को हमेशा रेखिक अवकल समीकरण में बदला जा सकता है। ये जो एफ वाई है इसको अपन मान लेंगे v मान लेंगे, देखो एफ वाई को अगर अपन v मानेंगे इसका अवकलन करेंगे तो एफ डेस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा कितना, डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। देखो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब एफ डेस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह लिख देंगे अपन डी वी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, देखो यहां एफ वाई की जगह आ जाएगा वी बराबर आ जाएगा क्यू एक्स आ जाएगा, देखो बराबर क्यू एक्स आ जाएगा। अब ये अपन देख रहे हैं देखो ये वी में रेखिक अवकल समीकरण है और ये वी में रेखिक अवकल समीकरण है तो उसके तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। बर्नौली का जो समीकरण है वो इसी का एक स्पेशल केस है, बर्नौली का जो समीकरण है वो इसी का एक स्पेशल केस है। यानी रेखिक अवकल समीकरण में अपन कब बदल पाएंगे, यहां जो y का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां पे होना चाहिए। अगर रेखिक अवकल समीकरण नहीं है तो उसको रेखिक में बदलने की कोशिश करेंगे, यहां जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर यहां पे होगा तो उसको रेखिक में बदल के अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो बर्नौली का जो अवकल समीकरण होता है वो इसी टाइप का अवकल समीकरण होता है, देखो बर्नौली का अवकल समीकरण है वो इसी टाइप का अवकल समीकरण है। देखो बर्नौली का अवकल समीकरण ये होता है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है या पी एक्स होता है या वाई होता है, यहां क्यू एक्स होता है, क्यू एक्स के साथ में वाई की कोई घात और होती है, देखो इधर वाई की कोई घात और होती है। इस टाइप का अगर अवकल समीकरण है तब उसको अपन कहते हैं बर्नौली का अवकल समीकरण। सबसे पहले अपन इधर जो वाई का फंक्शन है उसको अपन उधर ले जाते हैं, वाई के फंक्शन को इधर ले जाते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। देखो फिर यहां जो स्टेप आती है उसको वी मान के उसको सोल्व किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लोग वाई, इधर है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर साथ में है लोग वाई का स्क्वायर। अब यहां अगर अपन देखें तो देखो ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। देखो रेखिक अवकल समीकरण में क्या होता है, पहली बात तो वाई की घात एक होती है, यहां देखो लोग वाई का स्क्वायर आ रहा है, दूसरी बात इधर केवल एक्स का फंक्शन होता है। देखो तो अपन क्या करेंगे, इसको रेखिक अवकल समीकरण में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इधर जो भी y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। देखो तो इस स्टेप से अगर अपन इधर भाग देते हैं तो ये बन जाएगा वन अपॉन वाई लोग वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां आ जाएगा वन अपॉन एक्स, इससे अगर अपन इसको भाग देंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन लोग वाई बराबर आ जाएगा इधर वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा, अब वन अपॉन लोग वाई को वी मान लेंगे, देखो इसका अवकलज यहां पे विद्यमान है तो वन अपॉन लोग वाई को अपन वी मान लेंगे, वन अपॉन लोग वाई को अपन वी मान रहे हैं। देखो
वन अपॉन लोग वाई को अगर वी मानेंगे तो वन अपॉन की वजह से इसका समाकलन हो जाएगा कितना, माइनस वन अपॉन लोग वाई का स्क्वायर, फिर लोग वाई का करेंगे तो वन अपॉन वाई आएगा, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, इधर आ जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब ये सारे मान मैं वहां पे रख रहा हूं तो ये बन जाएगा कितना, देखो माइनस डीवी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन लोग वाई की जगह अपने वी मान लिया, इधर आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो वी की भी घात एक है और डीवी अपॉन डी एक्स की भी घात एक है, तो इसका मतलब इसको वी में रेखिक अवकल समीकरण अपन कह सकते हैं, देखो और वी में जो रेखिक अवकल समीकरण होती है उसमें डीवी अपॉन डी एक्स का गुणांक एक होता है, तो माइनस से पूरे को गुणा कर देंगे, देखो माइनस से पूरे को गुणा कर देंगे। देखो अब ये देखो वी में रेखिक अवकल समीकरण है, देखो सबसे पहले अपन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, लास्ट में वी का मान वापस रख देंगे। देखो अब यहां से भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि किस प्रतिस्थापन के द्वारा इस अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण में बदल सकते हैं, अगर ऐसा पूछा जाता है तो अपना उत्तर ये हो जाएगा। देखो अगर अपने को समाकलन गुणक पूछा जाता है तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे, समाकलन गुणक पूछा जाएगा तो केवल अपन यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, अगर व्यापक हल पूछा जाता है तब अपने को पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। तो बर्नौली के अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले जो समीकरण है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद में है यथातथ अवकल समीकरण जो कि वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो यथातथ अवकल समीकरण है और यथातथ में बदले जाने वाले समीकरण है, देखो यथातथ में बदले जाने वाले समीकरण है, जाने वाले समीकरण है, और एक होता है इंस्पेक्शन मेथड होता है, निरीक्षण विधि होता है। देखो ये दो तीन मेथड आप जरूर एक बार और देख लेना। देखो इसके अंदर कई बार समाकलन गुणक वगैरह निकालना आजकल पूछा जाता है, समाकलन गुणक कैसे निकालते हैं, जैसे कोई अवकल समीकरण अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको एग्जैक्ट में बदला जा सकता है, एक निश्चित फंक्शन से गुणा करके उसको अपन एग्जैक्ट में बदल सकते हैं जिसको अपन कहते हैं समाकलन गुणक। तो इन अवकल समीकरण का समाकलन गुणक निकालना कई बार जरूर पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर निरीक्षण विधि का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिया हुआ था और ये पूछा गया था कि कौन सा इसका समाकलन गुणक नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो तो ये केस जरूर देख लेना। देखो तो आज अपने बात की है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने की, इसे नेक्स्ट पार्ट अगर आपको करवाना है, अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कम से कम करवाएं, बाकी अगर करवाना है तो आप कमेंट करके बता देना, जिससे आप आगे विचित्र एल है कलेरों का समीकरण और बता देंगे, है ना। थैंक यू।